मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के लिए आज ही ज्वाइन करें ब्रेन मास्टर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। बाबा ब्रदर्स G7 बाबा दीप कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन के सामने सियागंज इंदौर। पेट्रोल के बढ़ते भाव को बजाज डिस्कवर का मुंह तोड़ जवाब कृष्णा ऑटोमोबाइल स्कीम नंबर 54 विजयनगर इंदौर। PNG क्लासेस हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर 6 MG रोड इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा वन बैंक कॉलोनी अपोजिट दशरथ मैदान अंटीना रोड इंदौर। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड वेटरनरी कॉलेज EB रोड इंदौर। वर्ल्ड ऑफ सेल्स G8 G9 न्यू सियागंज VIP रूट नंबर 1 इंदौर। रत्न हाउस होटल सयाजी इंदौर। होटल एकेडमी प्रोफेसर कॉलोनी भवरकुआ चौराहा मेन रोड इंदौर। भाजपा कार्यालय में चालानी कार्रवाई के दर्द का दिखा प्रभारी मंत्री पर असर। चालानी कार्रवाई बंद कराना हुआ प्राथमिकता में शुमार। मानसून सत्र के बाद गृह मंत्री के साथ फिर करेंगे शहर का दौरा। अपनों के ही विरोध के बाद दिलाया भरोसा। महिला अपराध का होता है राजनीतिकरण। मीडिया उपलब्ध कराता है मंच, मौके का उठाता है फायदा। पीड़ित के दर्द से नहीं रहता कोई सरोकार, कहा दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वर्तिका नंदा ने। नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। चंदन नगर में युवक ने गवाई जान तो माणिक बाग पर बाइक सवार हुआ घायल। रिंग रोड पर भी तीन वाहन आपस में टकराए, बड़ा हादसा टला। मीटर गेज के ब्रॉड गेज में परिवर्तन से मिलेगी सौगात। 7 नए प्लेटफॉर्म के साथ ही रेल सुविधा का होगा विस्तार, योजना पर हुआ काम शुरू। और दिन हो या रात चोर लुटेरे हैं आपके आसपास। सूने मकानों के बाद अब चोर मंदिरों को बना रहे अपना निशाना। बीती रात चोरों ने उड़ाई मंदिर से लगभग 1 दर्जन मूर्तियां। अपनों का दर्द झेल रहे प्रदेश के पंचायत राज मंत्री व जिले के प्रभारी गोपाल भार्गव का दर्द आखिरकार पत्रकारों के सामने उभर आया। गोपाल भार्गव ने अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कराते हुए कहा कि कानून व्यवस्था व BRTS को सुधारने के साथ ही चालानी कार्रवाई पर रोक लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विधानसभा सत्र के बाद गृह मंत्री के साथ इंदौर में व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर भी अहम बैठक करने की बात कही। मध्य प्रदेश सरकार व जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव शनिवार को प्रेस से मिले कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों का सामना करते नजर आए। अपनी पार्टी की आंतरिक कलह से त्रस्त हुए मंत्री गोपाल भार्गव की पीड़ा प्रेस क्लब में उभर आई। इंदौर के अधिकारियों की काम में ढिलाई को मानते हुए भार्गव ने विधानसभा सत्र के बाद गृह मंत्री को इंदौर लाने की बात कही। भार्गव का कहना था कि इंदौर के लिए उनकी 3 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जिनमें BRTS कानून व्यवस्था शामिल है। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी के चहेतों के चालान कटने के बाद मंत्री की प्राथमिकताओं में चालानी कार्रवाई को भी बंद कराना शुमार हो गया है। वहीं SSP सिस्टम के हटने या लागू रहने की बात पर मंत्री ने बताया कि इसका फैसला बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आ पाएगा। गोपाल भार्गव ने ताई की नाराजगी की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ये महज अफवाहें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। वहीं भाजपा की बैठक में आंतरिक कलह पर मंत्री ने कहा कि कोई भी मंत्री सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कह सकता कि वो असहाय, अशक्त और निर्बल या कमजोर है। मैं प्रयास ये करूंगा कि जल्दी जल्दी विधानसभा सत्र के बाद गृह मंत्री जी को भी उनकी समय की यदि अनुकूलता होगी तो मैं गृह मंत्री जी को साथ में लाऊंगा और गृह मंत्री जी के साथ में बैठक करके और यहाँ पर जो सभी गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक करके और हम यहाँ पे बेहतर से बेहतर कानून व्यवस्था देने का काम भी करेंगे और इसमें कोई खामी नहीं रहे, कोई सुराग। भ्रूण हत्या के मामलों में रोक लगाने के मुद्दे पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश कैबिनेट जल्द ही सोनोग्राफी सेंटर्स पर GPS सिस्टम लगाने संबंधी एक प्रस्ताव पास करने जा रही है। इन सारी तमाम बातों के अलावा मंत्री ने बताया कि महू पंचायत के सभी गांवों को जल्द ही शहरों से जोड़ा जाएगा।
देश में महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध और उसमें मीडिया की भूमिका पर उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई, इस विषय से जुड़ी एक परिचर्चा में। परिचर्चा इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित थी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद डॉक्टर वर्तिका नंदा ने कहा कि मुद्दे का मर्म समझने के बजाय महिला अपराध की घटना के बाद राजनेता और मीडिया अपने दाव पेच खेलने में उलझ जाते हैं। आपके अपने स्टेट में, आपके अपनी स्टेट पुलिस कितनी सजग है अपराध को लेकर? क्या 100 नंबर फोन करने पर तुरंत आता है? और आता है तो कैसे सवाल करता है? घरेलू हिंसा की शिकार किसी भी औरत से इस देश में आप 10 औरतें ढूंढ लीजिए और उन 10 औरतों से आप पूछ लीजिए कि जब आपने पुलिस को बुलाया था कि आपका पति आपको मार रहा है, आप परेशान है, आपको लगता है आपका पति आपको जान से मार देगा, तो पुलिस ने क्या कहा था? मैक्सिमम केसेस में पुलिस ये कहती है, मारने वाला था ना, मार तो नहीं दिया, चिंता हो ना। आप मीडिया के पास जाइए और आप ये कहिए कि मुझे लगता है मेरा पति कल तक मुझे मार देगा, मीडिया भी कहेगा तो मारा तो नहीं ना। और अगर आप मर जाएंगी तो मीडिया आपकी स्टोरी तब करेगा जब उस दिन आपके शहर में कोई बड़ी हस्ती ना आई हो, बड़ा बम विस्फोट ना हुआ हो, भूकंप ना हुआ हो, कोई ऐसी घटना ना हुई हो, या फिर ऐश्वर्या राय की बेटी। खजराना रिंग रोड पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। रिंग रोड पर वितरण कर रही एक गाय को बचाने के चक्कर में 3 बड़े वाहन आपस में टकरा गए। बस, कार और टवेरा की इस टक्कर में अच्छी बात यह रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन घटना के तुरंत बाद बस चालक और सवारियां फटाफट बस से उतर कर मौके से गायब हो गई। शुक्रवार सुबह खजराना चौराहे के समीप हुए इस हादसे में कार, बस और टवेरा आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि रिंग रोड पर विचरण कर रही गाय को बचाने में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद बस चालक और सवारियां उतरकर फटाफट मौके से गायब हो गए। गाड़ी जो है बंद स्पीड में थी, पीछे से जो ये 70 में आ रहा था, वो पूरी गाड़ी गायब घुस गए। मेन गलती कितनी डाल रहा है? नगर सेवा वालों की, बस वाले, बस चालक फरार है, बस चालक और पूरी सवारी भाग गई। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? घटना के बाद मौके पर आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन पास में ही पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिस मौके पर आधे घंटे बाद पहुंची। रफ्तार के शौकीन बाइक सवार लगातार हो रहे हादसों से भी सबक नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह एक बार फिर रफ्तार के शौकीन 3 बाइक सवार शहर की सूनी सड़कों पर निकले, मगर इस खेल में एक बाइक सवार ठेले से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। माणिकबाग ब्रिज पर हुए इस हादसे के बाद घायल बाइक सवार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह सुबह सड़कें सूनी क्या मिली, उन्होंने बाइक की रफ्तार ही बढ़ा दी और इस रफ्तार ने उनमें से एक को अस्पताल पहुँचा दिया। कुछ ऐसा ही हुआ शनिवार सुबह माणिकबाग ब्रिज पर। दरअसल ब्रिज पर से 3 बाइक सवार तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे थे। इस दौरान एक बाइक सवार संतुलन बिगड़ने की वजह से एक ठेले वाले से टकरा गया। अचानक हुई इस घटना में ठेला चालक भी मामूली रूप से घायल हो गया। हुआ क्या कि मैं उधर से ठेला लेके आ रहा था, मैं मेरे साइड में चल रहा था, उधर से 2 मोटरसाइकिल वाले थे, तो 2 जने तो निकल गए थे। वो जो सिंगल था, उसने मेरे ठेले में टक्कर मार दी और ठेला पलटी खा के मैं उससे गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पास ही की पुलिस चौकी से एक पुलिसकर्मी भी मौके पर आ गया था, लेकिन तब तक घायल बाइक सवार को उसके साथ ही अस्पताल ले जा चुके थे। हम लोग जहाँ से एक लड़के ने सूचना दी कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है गुंडा चौकी के घर पे, मैं आके देखा तो पल्सर गाड़ी वाला ठेले वाले से टकरा गया। इतना आस पास के लोगों ने बताया, हमारे सामने क्या उसकी हालत सीरियस है, क्या है क्या है, घटना के बाद अस्पताल में उपचार करा रहा घायल युवक इतना घबराया हुआ था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। बहरहाल इस तरह के हादसे शहर में कई बार हो चुके हैं, लेकिन युवा नौजवान इन हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं और लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। चंदननगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बाइक सवार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। हादसा रात के समय चंदननगर थाना क्षेत्र के सिरपुर तालाब के पास हुआ, जब सड़क पर से पैदल गुजर रहे एक युवक को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में जाते समय दम तोड़ दिया। फिलहाल मृतक और अज्ञात बाइक सवार दोनों की ही पहचान नहीं हो पाई है। चंदननगर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार पर प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।
रतलाम महू खंडवा और अकोला के बीच मीटर गेज लाइन के ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन होने के बाद इंदौर को न केवल 7 नए प्लेटफॉर्म की सौगात मिल जाएगी बल्कि नई ट्रेन चलने के साथ ही मौजूदा समय में दौड़ रही ट्रेनों के विस्तार के रास्ते भी खुल जाएंगे। रेल मंत्रालय ने मीटर गेज परिवर्तन की योजना को गति देने के साथ ही इंदौर के रेलवे स्टेशन के विस्तार और नए प्लेटफॉर्म की योजना भी तैयार की है जिस पर कार्य भी शुरू हो गया है। रतलाम महू खंडवा अकोला मीटर गेज को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की योजना पूरी होने के साथ ही इंदौर में भी रेलवे के क्षेत्र में काफी बदलाव और विकास होगा बल्कि विस्तार के दरवाजे भी खुलेंगे। रेलवे ने मीटर गेज परिवर्तन योजना को रफ्तार देने के साथ साथ इंदौर और इससे जुड़े रेलवे स्टेशन के विस्तार और विकास की योजना भी तैयार की है। योजना के मुताबिक इंदौर रेलवे स्टेशन का मुख्य रूप से विस्तार व विकास किया जाएगा। यहाँ पर एक बड़ी लाइन का नया प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। यह नया प्लेटफॉर्म मीटर गेज लाइन पर वर्तमान में मौजूद 1 और 2 नंबर के प्लेटफॉर्म को जोड़कर बनाया जाएगा। इन प्लेटफॉर्म पर बड़ी लाइन डलने के दौरान ही नए प्लेटफॉर्म का कार्य भी आरंभ हो जाएगा। इसी प्रकार रेलवे माल गोदाम पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है। यह प्लेटफॉर्म इंदौर रेलवे स्टेशन के ही दायरे में आएंगे। इसी तरह 2 नए प्लेटफॉर्म लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन और 2 प्लेटफॉर्म राजेंद्र नगर स्टेशन पर बनाए जाएंगे। नए प्लेटफॉर्म मीटर गेज लाइन के बड़ी लाइन में बदल ले जाने के दौरान आकार लेंगे। इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर नया प्लेटफॉर्म का निर्माण किए जाने के अलावा स्टेशन का स्वरूप भी बदला जाएगा। इधर ब्रॉडगेज रेल परियोजना को रफ्तार देने के लिए कार्य तेज कर दिया गया है। वर्तमान में रतलाम फतियाबाद रेलवे स्टेशन के बीच मीटर गेज परिवर्तन का कार्य चल रहा था जो इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके बाद फतियाबाद और महू के मध्य वाया इंदौर स्टेशन होकर कार्य आरंभ होगा। इसके पश्चात महू खंडवा रेल मार्ग पर कार्य होगा। इधर ब्रॉडगेज का कार्य पूरा होने के बाद न केवल नई ट्रेन चलने के रास्ते खुल जाएंगे बल्कि मौजूदा समय में दौड़ रही ट्रेनों का विस्तार भी होगा। खासतौर पर खंडवा होकर महाराष्ट्र और साउथ के लिए नई ट्रेन चलने में आसानी रहेगी। साथ ही खंडवा होकर चलने वाली ट्रेनों से भी सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। यात्रियों को अन्य ट्रेनों को पकड़ने के लिए खंडवा नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार ब्रॉडगेज रेल परियोजना रेलवे के क्षेत्र में इंदौर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इंदौर को नए प्लेटफॉर्म भी मिलेंगे और रेलवे का विस्तार भी होगा। रतलाम अकोला गेज परिवर्तन में वर्तमान में रतलाम और फतेहाबाद के बीच में कार्य प्रगति पर है और इसके दूसरे चरण में फतेहाबाद से महू के बीच में काम होगा। रतलाम फतेहाबाद गेज परिवर्तन प्रोजेक्ट को इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इंदौर तक गेज परिवर्तन प्रोजेक्ट पूरा होने से सबसे बड़ा फायदा इंदौर को होना है। इसमें 2 प्लेटफॉर्म और विकसित होंगे, साथ ही राजेंद्र नगर और लक्ष्मी नगर स्टेशन का भी विकास होगा। प्लेटफॉर्म के बढ़ने के साथ जो नई गाड़ियां चलने की संभावनाएं हैं वो भी बढ़ती है, तो इसका लाभ भी इंदौर स्टेशन को मिलेगा। बहरहाल ये तय है कि ब्रॉडगेज रेल परियोजना पूरी होने के बाद इंदौर का रेलवे के क्षेत्र में जो विकास और विस्तार होगा उससे यात्रियों को सुविधाएं मिलने के साथ ही औद्योगिक और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों को भी सीधा लाभ मिलेगा, वहीं तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। कैमरामैन गौतम सरदार के साथ अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली से आए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दल ने शनिवार को एमवी अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। दौरे के शुरुआती सत्र में उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की, वहीं एक मरीज के परिजन ने कर्मचारियों द्वारा पैसे मांगे जाने की शिकायत भी की। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली का दल इन दिनों इंदौर के सरकारी अस्पतालों के दौरे पर है। शुक्रवार को दल ने एमजीएम कॉलेज का दौरा किया था। इसके बाद शनिवार को दल एमवाई अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचा। 2 सदस्यीय इस दल ने एमवाई अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया। दल के सदस्य डॉक्टर पी मोहंती ने व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ तो कुछ नहीं बता सकते, अभी कंप्लीट होने से के बाद आपको पता चलेगा और जो कुछ और कुछ जानकारी के लिए आप सुपरिटेंडेंट के साथ बात कर सकते हैं। फिर भी आज दूसरा दिन दौरे का कहीं कोई अनियमितता या कहीं कोई फैसिलिटी पाई गई तो बताएं। नहीं नहीं, फैसिलिटी तो अभी तक जितना दिखा हुआ है ठीक ठाक है कुछ नहीं, और तो इनसे ज़्यादा तो इस वक्त पर कुछ नहीं बता सकते। MCI के दौर की वजह से मरीज के परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सामने तो जा सकते ना यार, सामने भी नहीं जाके गए।
इस बीच चलते दौरे में एक व्यक्ति ने दल के सदस्यों के पास पहुंचकर अस्पताल के कर्मचारियों की शिकायत कर दी कि यहां के कर्मचारी पलंग देने के नाम पर पैसे मांगते हैं। सर यहां पे ना लेबर रूम में ना पैसे लेते हैं, उसके बाद ही डिलीवरी के लिए बच्चा देते हैं। तो सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल मेरे सामने सर बेचारे मुमेडियन लड़की थी, उसको डिलीवरी हुई, उससे बोलते बोले कि ना 1500 दोगे तब जाके तुमको बच्चा ये बात नहीं करो, प्लीज ये नहीं करो। आप सुपरिटेंडेंट ऑफिस से बता दो ना जाके। सर सुपरिटेंडेंट को बोलो देता है इतना बड़ा फॉर्म के पास शिकायत करने का तो कोई था ही नहीं यहां पे। अभी बोलते अभी आप करके साथ जाओ ना, तभी आपका काम करेंगे सर। ऊपर लेवर रूम। बाद में उस व्यक्ति ने बताया कि डिलीवरी होने के बाद अस्पताल के कुछ कर्मचारी पैसे की मांग करते हैं, जब कर्मचारियों की शिकायत करने सीएमओ के पास जाओ तो वह भी अपने कैबिन में नहीं मिलते हैं। समस्या है कि कल मैं लेबर रूम में मेरे फ्रेंड के मुहूर्त को बच्चा हुआ था, मैं मिलने आया तो कल जाके एक बेचारा मोमेडियन है वो इतना रो रहा था। मैंने पूछा भैया क्या हो गया, तो बोले यार मेरा लड़का हुआ है, बाकी मेरी लड़की को बाहर नहीं ला रहे। मैंने पूछा क्यों, तो बोल रहे कि ना 1500 चाहिए तब जाके पलंग देंगे और तुम्हारी लड़की को बाहर लेके आएंगे। मैं उसको लेके जब लेबर रूम में गया ना, तब जाके वहाँ की जो वार्डन है वो जब बाहर लेके आई है और उसके बाद उनको पलंग दिया गया। कल जाके एक लेडीज़ थी बेचारी, उनने बोला बोले भैया हम सीओमओ के पास गए थे, बोले नीचे पर कोई है नहीं, बोले हमारे से बोलते कि हम 15 जने 100-100 रुपए एक जने के चाहे हमारे। हालांकि एमवाई अस्पताल में समस्याएं एक नहीं अनेक हैं, लेकिन जब भी इस तरह का दौरा अस्पताल में होता है उसके पहले ही एमवाई प्रशासन उस पर पर्दा डालने का इंतजाम कर देता है। बहरहाल अब देखना यह है कि मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के दौरे के बाद जिस अस्पताल का ढर्रा नहीं सुधरा उसमें कितना सुधार एमसीआई के दौरे के बाद होता है। चेहरे की खूबसूरती में सबसे अहम चीज होती है मुस्कुराहट, और सुंदर मुस्कान के लिए जरूरी है दांतों का सुंदर दिखना। वहीं बेहतर जीवन शैली के लिए ये भी जरूरी है कि दांतों की देखभाल नियमित रूप से करते रहें। ये कहना है मशहूर दंत चिकित्सक डॉक्टर संदेश मायकर का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से आए 100 से ज्यादा डेंटिस्ट ने एक निजी होटल में आयोजित सेमिनार में डॉक्टर मायकर से दांतों को सुंदर बनाने के गुर सीखे। इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार में देश भर के करीब 200 दंत चिकित्सक शामिल हुए, जिसमें दिल्ली व मुंबई के ख्यात चिकित्सक ने दंत रोग व सुंदरता को लेकर जानकारी दी। Excellent color matching, and lastly, I want to speak about the light. Light is the most important aspect. डॉक्टर संदेश मायकर का कहना है कि आज भारत का नजरिया दूसरे देशों की अपेक्षा काफी बदल चुका है। अन्य देशों में भारत जैसे देशों की तरह ही बदलाव आने लगा है। पहले लोग दांतों की बीमारी ठीक करवाने या दांत निकलवाने ही आया करते थे, लेकिन आज दांतों को सुंदर बनाने का मकसद लेकर लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्माइल जो है वो सिर्फ दांतों के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपनी स्किन के ऊपर भी डिपेंड है। आपके डिम्पल आते हैं, जैसे आप प्रीति जिंटा को देखो, डिम्पल ही करते, दांत नहीं होंगे तो भी उसकी स्माइल अच्छी लगेगी। बट हम जब दांत करते हैं दांतों की वजह से उनके स्माइल को एनहांस करते हैं और बढ़िया बनाते हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसे कि हर एक को दांत ऊपर वाला सीधे नहीं देते, टेढ़े देते हैं, कभी दांत टूटा हुआ होता है, डिसकलर होता है, कलर में प्रॉब्लम होता है। तो हमें जो अभी लैमिनेट्स करते हैं उसके ऊपर एक कोटिंग, जैसे कि फॉल्स नेटिंग कोटिंग होते हैं, वैसे लैमिनेट जो दांतों के ऊपर करते हैं उससे हम आपको जो कलर गो शेप चाहिए वो हम बना के दे सकते हैं। तो वो हिसाब से हम टेक्नोलॉजी लाई है। डॉक्टर माइकर ने बताया कि लंबे समय तक सिर व गर्दन में दर्द रहना भी कहीं ना कहीं दांतों की बनावट या मसल से जुड़ा होता है। ज्यादा तनाव होने से भी दांतों के मसूड़ों में खिंचाव होता है, जिससे दांत दर्द करने लगता है। इन्हीं सारे मुद्दों पर डॉक्टर संदेश ने मौजूद चिकित्सकों से अपने अनुभव साझा किए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया ने युवा पीढ़ी को करियर की राह दिखाई। चौरसिया ने बेहतर जिंदगी जीने के रास्ते तो दिखाए, साथ ही जीवन में कामयाबी की राह पर चलने के मूल मंत्र भी दिए। शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिष्ठित पत्रकारों में से एक दीपक चौरसिया ने होटल मंगल सिटी में करियर सेमिनार को संबोधित किया। एक इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित करियर सेमिनार में चौरसिया ने नई पीढ़ी को अपनी सोच में बदलाव लाने को कहा, और साथ में लाइफस्टाइल में बदलाव लाने के लिए हुनर और आत्मविश्वास को मजबूत करने की बात भी कही। सबसे पहली बात तो अगर वो मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी करें। तैयारी से मेरा मतलब ये है कि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं और उसके लिए क्या करना है। उसके लिए उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पढ़ें, खूब पढ़ें, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, या वो व्यापार की फील्ड हो। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस मीडिया में जाना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया भी अलग अलग तरीके का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है,
जो पाक्षिक मैगजीन्स आती हैं उनका मीडिया है, इंटरनेट है, न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो आज की तारीख में एवेन्यूज़ बढ़े हैं, लेकिन उनको अपने आप के मन को तैयार करना पड़ेगा कि आखिरकार किस मीडिया और किस एवेन्यू का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सेमिनार में दीपक चौरसिया ने लोगों को बताया कि वे अपनी पत्रकारिता के करियर के 20 साल पूरे करने वाले हैं, जिसके उपलक्ष पर चौरसिया अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखेंगे। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज। जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कई बार हिंदू संगठन किसी न किसी बात पर शहर के थानों का घेराव कर चुके हैं। शनिवार सुबह भी ऐसा ही हुआ। पुलिस चेकिंग के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों से पुलिस की झड़प के बाद गुस्साए संघ के स्वयंसेवकों ने सैयदगंज थाने का घेराव कर दिया। सैयदगंज थाने को घेरे खड़े यह लोग आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, जो पुलिस चेकिंग के दौरान अपने साथी के साथ हुई झड़प के बाद थाने का घेराव करने पहुंचे थे। जब पुलिस ने इनकी अनदेखी की तो यह थाना परिसर में ही संगठन के गीत गाने लगे। दरअसल सुबह पुलिस चेकिंग के दौरान थाने के पुलिस बल ने एक टाटा मैजिक को रोककर वाहन के दस्तावेज मांगे, लेकिन इस बीच मैजिक से कॉलेज जा रहा एक स्वयंसेवक मामले में हस्तक्षेप करने लगा। पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रहे स्वयंसेवक से पुलिसकर्मियों की बहस भी हुई, जिसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर आ गई। जैसे ही संघ के पदाधिकारियों को मामले की खबर लगी, वह थाना घेरने पहुँच गए। सीएसपी से चर्चा के बाद संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि मामले की शिकायत के बाद सीएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। कार्यकर्ता हूँ, इसे नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरा दायित्व बनता है समाज में सब घटना घट रही है, मेरे सामने आप ये सब हरकतें कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको मारा और थाने में ला के, जब हमारे अन्य कार्यकर्ता ने भी आके कहा कि हमारे कार्यकर्ता हैं, इसको आप क्यों ऐसा मारपीट करे, तो उसको और मारा कि अच्छा मेरे को दोष देता है तो ये करता हूँ उसके साथ में। तब आम जनों के साथ में कैसा पुलिस का व्यवहार है ये ऐसा देखने में आया है, तो इसका हमने आज यहाँ पर विरोध करा, और विरोध करने के उपरांत ऐसा सुनने में आया कि अधिकारियों ने कंफर्म है कि 3 जवानों को यहाँ पर लाइन अटैच करा। हालांकि पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने की बात पर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, फिर भी 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद संघ के स्वयंसेवक घर लौट गए। बहरहाल छोटी छोटी बातों पर थाना घेरना अब हिंदू संगठनों की आदत में शुमार हो चुका है, और क्यों न हो, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी सेक्रेटरीज को नई तकनीक और जागरूक करने के उद्देश्य से 2 दिनी सेमिनार की शुरुआत की गई। सेमिनार के पहले दिन एसएमई लिस्टिंग और टेक ओवर रेगुलेशन 2011 पर बुद्धिजीवियों ने चर्चा की। प्रोफेशनल सीएस और सीए की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने 2 दिवसीय सेमिनार की शुरुआत शनिवार को की। अलग अलग सत्रों में आयोजित सेमिनार के पहले दिन एसएमई लिस्टिंग विषय पर सारथी एडवाइजर के सीईओ दीपक शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से छोटी कंपनियां अपने शेयर्स को स्टॉक में एक्सचेंज कर सकती है। वहीं दूसरे सत्र में वीएस सुंदरेशन और सुशांता कुमार दास ने टेक ओवर रेगुलेशन 2011 में हुए संशोधन की जानकारी दी। सीएस के लिए चुनौतियां बताते हुए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट निसार अहमद ने कहा कि नई तकनीक और भाषा सबसे बड़ी चुनौती है, और इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। आज का जो ये तो है पश्चिमी वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल जो है, उसके माध्यम से हम 2 रोज का यहाँ पर हम एक रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें 5 राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ भाग ले रहे हैं 2 दिन के कार्यक्रम में, जहाँ पर चर्चा है बिजनेस एथिक्स के ऊपर, कंप्लायंस मैनेजमेंट के ऊपर और उसकी जो है इंटीग्रिटी के ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है इस बात के, आपके इस सेमिनार के माध्यम से
हम आम आदमी को भी बतलाएं कि कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशन जो है वो बड़ा ही जो है सुलभ है, आसान है सबके लिए, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा 24/7 आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अहमद ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्रीय स्तर पर ICSI को आगे बढ़ाने और प्रदेश में चैप्टर के माध्यम से शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार शहर में उन्हें जमीन आवंटित करे। इंदौर के जो चैप्टर है वो बहुत ही वाइब्रेंट चैप्टर है, 5000 स्टूडेंट्स अभी इंदौर चैप्टर के साथ काम कर रहे हैं और कोर्स कर रहे हैं, साथ में 240 मेंबर हमारे साथ एक बहुत बड़ा कैडर है। और आगे का विषय है कि मैं यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार से हम विनती करेंगे, निवेदन करेंगे अपने लेख के द्वारा कि इसको प्रोफेशन को वैट के अंदर रिकॉग्नाइज करें और भी लेबर लॉ कंप्लायंस के अंदर कंपनी सेक्रेटरी की सेवाएं ली जाएं, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड है। इस काम को हम केंद्रीय लेवल पर भी काम कर रहे हैं और यहाँ चैप्टर के लिए एक हमको जगह आवंटित करें बड़ा सा, जिसमें हम ट्रेनिंग और रिसर्च का काम यहाँ हम कंपनी सेक्रेटरी का मध्य प्रदेश के लिए हम काम करें यहाँ बैठ करके सरकार के। निजार अहमद ने भविष्य में CS की जरूरत बताते हुए कहा कि आने वाले समय में पूरे भारत में 10 लाख CS तैयार होंगे। दो दिनों तक चलने वाले सेमिनार में 5 राज्यों के 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मलारगंज थाना क्षेत्र के महेश नगर में चोरों ने एक मंदिर को निशाना बनाकर 10 मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा चोर चांदी का छत्र और नाग महाराज को भी चुरा ले गए। घटना राजीव गांधी सार्वजनिक उद्यान अष्टभुजा माता मंदिर की है। मंदिर के पुजारी दिलीप ठक्कर रात को जब मंदिर पहुंचे तब उन्हें चोरी की वारदात का पता लगा। चोर मंदिर की दीवार तोड़कर 10 मूर्तियां, 2 त्रिशूल, चांदी का छत्र और तांबे के नागराज को चुरा कर ले गए। पीतल के 2 त्रिशूल, चांदी का एक छोटा छत्र, तांबे का नाग, पीतल की एक घंटी और एक स्टोव था वहां मंदिर में। ये नहीं था जो कोई अज्ञात बदमाश जो है दीवार तोड़ करके चोरी कर ले गया। पुजारी ने मामले की जानकारी मल्हारगंज थाने को दी, जिसके बाद मौके पर आई पुलिस ने जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। और अब डालते हैं नजर न्यूज फास्ट पर। सीआरपीएफ में चयनित हुई अपनी बेटी का मेडिकल कराने इंदौर के एक निजी अस्पताल पहुंचे छिंदवाड़ा का हरिराम नामक अधेड़ की अचानक हृदय गति रुक जाने से अस्पताल परिसर के बाहर की मौत हो गई। निजी अस्पताल ने प्राथमिक परीक्षण के बाद हरिराम को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हरिराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। हरिराम की मौत की जानकारी लगते ही उसके परिजन भी इंदौर पहुँच चुके थे। परदेशीपुरा थाने पर बीती रात एक युवती ने शादीशुदा दीपेश ठाकुर नामक सिटी बस चालक के खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज कराया है, जिसने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर विवाह भी किया और उससे 80,000 रुपये भी ऐंठ लिए। युवती को शादी के हफ्ते भर बाद पता चला कि युवक तो पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता है। युवती ने परदेशीपुरा थाना पहुंचकर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सुबह युवक को नवलखा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलाव को देखते हुए संस्था स्टोन्स टू माइलस्टोन्स ने छोटे बच्चों के लिए 3 लेवल का एक पैकेज तैयार किया है। इस प्रोग्राम में बच्चों को रीडिंग के साथ साथ विषय को गहनता से समझने के लिए तैयार किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए संस्था के सदस्य ने बताया कि स्टूडेंट्स की परेशानी को दूर करने के लिए संस्था ने छोटे बच्चों के लिए 3 लेवल का लैंग्वेज कमांड प्रोग्राम तैयार किया है। 3 माह के प्रोग्राम का शुल्क 5,000 रुपये है, जिसमें छोटे बच्चों को फंड के जरिए शिक्षा दी जाएगी। कई जगह अपने सेंटर संचालित कर चुकी संस्था शहर के विभिन्न स्कूलों के माध्यम से प्रोग्राम को शहर में शुरू करने जा रही है। 15 जुलाई से जावरा कंपाउंड स्थित प्लस फिटनेस जोन पर डांस और मॉडलिंग के गुर सिखाने के लिए मॉडल नेहा कपूर 10 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन करने जा रही है। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए नेहा कपूर ने बताया कि इस वर्कशॉप में सेमी क्लासिकल, ट्रेडिशनल, हिप हॉप, बॉलीवुड, टॉलीवुड सहित कई तरह के डांस सिखाए जाएंगे। वर्कशॉप में 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 रुपये और 15 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 800 रुपये शुल्क रखा गया है। वहीं मॉडलिंग की वर्कशॉप के लिए 1,000 रुपये शुल्क रखा गया है। वर्कशॉप 25 जुलाई तक होगी।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। भाजपा कार्यालय में चालानी कार्रवाई के दर्द का दिखा प्रभारी मंत्री पर असर। चालानी कार्रवाई बंद कराना हुआ प्राथमिकता में शुमार। मानसून सत्र के बाद गृह मंत्री के साथ फिर करेंगे शहर का दौरा। अपनों के ही विरोध के बाद दिलाया भरोसा। महिला अपराध का होता है राजनीतिकरण। मीडिया उपलब्ध कराता है मंच, मौके का उठाता है फायदा। पीड़ित के दर्द से नहीं रहता कोई सरोकार, कहा दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वर्तिका नंदा ने। नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला। चंदन नगर में युवक ने गवाई जान तो माणिक बाग पर बाइक सवार हुआ घायल। रिंग रोड पर भी तीन वाहन आपस में टकराए, बड़ा हादसा टला। मीटर गेज के ब्रॉड गेज में परिवर्तन से मिलेगी सौगात। सात नए प्लेटफॉर्म के साथ ही रेल सुविधा का होगा विस्तार। योजना पर हुआ काम शुरू। और दिन हो या रात, चोर लुटेरे हैं आपके आसपास। सूने मकानों के बाद अब चोर मंदिरों को बना रहे अपना निशाना। बीती रात चोरों ने उड़ाई मंदिर से लगभग एक दर्जन मूर्तियां।